दोस्तों आज मैं केस कंस्ट्रक्शन के रायपुर डीलरशिप पे आया था। मुझे बैकवरी से जुड़ी हुई कुछ इंक्वायरीज़ करनी थी और यहाँ पे मुझे एक कस्टमर मिले। और ये जो कस्टमर मिले, इनके पास एक दो तीन चार नहीं है, पूरी 10 बैकवरी मशीन्स हैं। और पता है कमाल की बात क्या है कि इनकी 10 की 10 बैकवरी मशीन जो है ना, वो केस कंस्ट्रक्शन की आती है। तो भाई क्या केस कंस्ट्रक्शन की वो खास बात है जिस कारण से 10 मशीन ले रहे हैं? क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी, तो मैं उनसे कुछ बातचीत कर लेता हूँ और पूछता हूँ कि भाई वो कितने खुश हैं और क्या उनको केस मशीन के साथ में ऐसा जुड़ा है कि वो एक के बाद एक नई मशीनें लेते ही जाते हैं और वो सारी केस की। दोस्तों अमित जी से हमने फाइनली रिक्वेस्ट करके टाइम ले लिया, तो अमित जी हमें आप थोड़ी सी बातें बताएंगे केस के बारे में। सर आपसे मिलकर कर मेरे को बहुत खुशी हुआ, और केस परिवार से मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, और केस के मेरे पास में 10 गाड़ियाँ हैं। मैं चाहूँगा एक दो गाड़ियाँ और लूँ। मेरा सर आप लोगों से यही सलाह रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी मैं काफ़ी संपन्न और काफ़ी खुश हूँ। नो मेंटेनेंस, नो वर्क, फ्यूल कम्यूशन बहुत कम है। क्योंकि अब अमित जी इतना खुश हैं, तो अमित जी को एक प्रॉपरली मैं क्वेश्चन ड्राफ्ट करके पूछ लेता हूँ। क्योंकि आप लोग जो इतने कन्फ्यूजन में रहते हो जनरली मशीन खरीदने के पहले, तो एक आपको भी आइडिया लग जाएगा प्रॉपर कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए लेके चलते हैं अमित जी को, हम एक टेबल पर बैठ जाते हैं और फिर वहाँ पर हम आपसे सारी बातें कर लेंगे। अमित जी अपने बारे में बताइए कि आपका मतलब नाम क्या है, आप क्या क्या बिजनेस में है? सर मेरा नाम अमित कंस्ट्रक्शन के नाम से है। हम लोगों दो तीन फर्म है ना, युवराज के नाम से, अमित के नाम से, एमएन के नाम से है। और सर क्या है, हम लोग बहुत बड़ा कॉन्ट्रेक्टर हैं रायपुर में, छत्तीसगढ़ में है ना। हम लोग जो बेसिकली हर जगह टावर का काम है, प्लांट का काम है, स्पॉन्ज आयरन का हम लोग काम करते हैं। ठीक है सर, आप इस बिजनेस में कब से हैं? सर मैं इस बिजनेस में 20 साल हो गया मेरे को, दो से कर रहा हूँ। बाकी हमारे चाचा लोग हैं, भाई लोग, ब्रदर लोग हैं, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। तो बिजनेस आपने फैमिली बिजनेस के तौर पर सीखा? फैमिली के साथ में रह के सीखे सर। अच्छा, फैमिली के साथ में रह के सीखे। तो सर आपका केस से पहला मशीन कब आया, केस से जुड़ा आप कैसे हुआ? केस से सर मेरा पहला मशीन 2012 में हम लोग लिए थे, 2012 में लिए, 2014 में लिए, 2015 में भी लिए, 2019 में दो गाड़ी लिए थे एक साथ में। अच्छा, उसके बाद हर साल हम लोग एक ना एक गाड़ी खरीदते हैं, हर साल एक गाड़ी लेते हैं कैश। टोटल कितना हो गया 2012? टोटल मेरा मेरे पास में भी 9 गाड़ी है कैश की। 9 बैकहो है आपके पास केस का? है टोटल बैकहो है मेरे पास, टोटल बैकहो है जी। 9 गाड़ी, और आगे भी मेरा रीजन है हर साल एक बैकहो लेने का। अच्छा, हर साल हम लोग गणपति पूजा में एक बैकहो लेते हैं। जैसे पहली परचेज तो समझ में आती है कि पहली बार खरीद लिया, दूसरी बार खरीद लिया, पर आप हर साल नया बैकहो केस का ही क्यों खरीदते हो? केस सर देखिए क्या है, हम लोग का कंस्ट्रक्शन का काम है, प्लांट में करते हैं है ना। प्लांट में काम करने का वजह से क्या, शुरू से ले रहे हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है, एक बार गाड़ी ली है, फ्यूल कंजम्पशन कम है, इसीलिए हम लोग कैश ही लेते हैं जी। अपने लिए क्या बेटर कैश ही है, लोग बोलते हैं 3D जो हम चला लिए वो मेरे लिए बेटर है। सर 10 साल का एक पारिवारिक संबंध हो गया केस से, कोई बीच में दिक्कत नहीं आई, कोई मशीन खराब हुआ हो? कभी कोई भी है पारिवारिक संबंध में क्यों अड़चन आएगा, कभी कोई अड़चन आया नहीं है। जो कैश से हमारा बहुत बढ़िया रिलेशन है, और आएगा भी तो हमारे जो बॉस है, बॉस से हम लोगों को बहुत अच्छा जमता है, एक बार फ़ोन करते हैं और सोल्यूशन करके देते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। केस में वारंटी वगैरह कैसी मिलती है, इन लोगों का सपोर्ट कैसा, डीलरशिप का कैसा सपोर्ट? डीलरशिप का भी सपोर्ट बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मशीन मजबूत है? मजबूत तो बहुत अच्छी है भैया, मजबूत में कोई कहना ही नहीं है कैश में। मशीन आपने खरीदी है पर चलाते ऑपरेटर है, ऑपरेटर तो चलाते ऑपरेटर क्या बोलते हैं मशीन के बारे में? ऑपरेटर देखिए भैया, पहले बोलते थे नहीं कैश ठीक नहीं है, हार्ड है, ये है, मगर आज का जो जनरेशन है उस जनरेशन से आपका कैश बहुत अच्छी गाड़ी है। तो ऑपरेटर खुश है? ऑपरेटर खुश है भैया। मालिक को ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि डीजल कितना खा रही है मशीन, तो डीजल से बचत होती है, तो ये कितना खाती है, मतलब जो खाती है? ये देखिए जनरली अब हम लोग तो गाड़ी चला रहे हैं, ऑपरेटर लोग का जो फीडबैक है वो बोलते हैं 4.5 का आसपास आ रहा है। आपके लिए सेटिस्फैक्टरी 35 है, यही चाहिए था। जनरली मशीन में जब आप काम करते हो इतने सारे, तो लो ताकत की जरूरत पड़ती है, तो पावरफुल मशीन है, पावर है उतना मशीन? नहीं पावर है भैया, जो 3DX में है वो कैश में भी है, पावर में कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ऑपरेटर कभी ये नहीं कहा कि ये मशीन ये नहीं कर पाती? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, काम पूरा कर पाती है, काम पूरा कर पाता है। और केस के बारे में आपको कुछ ऐसा लगता होगा यार ये इस ब्रांड के बारे में कुछ खास है, ये इनका अलग है, इनके कोई फीचर्स टेक्नोलॉजी आपको पसंद आती हो? फीचर में भैया क्या है, देखिए मॉडल बहुत अच्छा है, जो केबिन आप लोग बनाए हैं, बॉकेट का जो है बॉकेट बड़ा है, ये सब मॉडल थोड़ा सा अच्छा है पहले से, पहले के जनरेशन में भी ठीक है। अगर मैं कोई मशीन चलाता हूँ तो एक मशीन केस की चल रही है, बाजू में कोई भी मशीन ले लो, किसी और ब्रांड की मशीन ले लो, तो इसमें प्रोडक्टिविटी आती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है इसमें? 100% भी आती है। अच्छा, जनरली कई बार आपका तो प्लांट डायरेक्शन का काम है,
कई बार हम लोग हाईवे वगैरह फिल करते हैं, बड़ी बड़ी सामान करते हैं, हाँ, तो उसमें इसका डंप हाइट हो गया या ये सब भैया देखिए कहने के लायक है, सब ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड है। तो ओवरऑल आपको सही लगता है कि मतलब जो है कमी तो नहीं है? कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है भैया। कोई ऐसी चीज़ कि आपका मेंटेनेंस में कहीं पैसा बचता हो, जो आपको लगता हो कि यार यहाँ बचता है हमारा पैसा मेंटेनेंस में इस मशीन में? भैया मेंटेनेंस में अभी तक तो हम कोई गाड़ी लिए हैं आज तक कोई मेजर खर्चा आया नहीं, ना इंजन से ना हाइड्रोलिक से कहीं से। पाइप फटता है पाइप बना के लाते हैं, गाड़ी हीट होती है क्लक्सर वाले आते हैं इंजन को चेक करते हैं, मेजर तो खर्चा आज तक भैया कोई आया नहीं है, छोटा मोटा आते रहता है। जब कोई बड़ा कोई खर्चा आएगा फॉल्ट आएगा उस समय देखा जाएगा, अभी तक तो कुछ आया ही नहीं है। और आप हर साल एक नई केस मशीन ले लेते हैं, तो आपकी कैसी चलती, मतलब इतना अच्छा चलता है मशीन कि आप हर साल ही नए ले रहे हो? भैया क्या बहुत हमारे लिए तो बहुत अच्छा है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यही बताऊंगा भैया। सर जनरली आपने एक मशीन से सफ़र शुरू किया, 10 मशीन्स हो गए जी, तो 10 मशीन में केस ने कोई अहम भूमिका निभाई कि मशीन्स के कारण ही और मशीन्स बन रही है? ऐसा लग रहा है आपको कि एक मशीन से 2 मशीन होने में केस पैसा बचा रहा है, प्रॉफिट ला रहा है बिजनेस में? देखिए सर क्या है, एक तो कैश कंस्ट्रक्शन जो परिवार है उससे हम जुड़े हुए हैं, और कैश कंस्ट्रक्शन जो हमारे लिए है ये लकी नंबर बोले या लकी बोले, कैश हमारे क्या है मार्केट में बहुत अच्छा चीज़ है, हमको जो भाग गया है और कैश के कारण हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हो सकता है हम कैश के आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक तो फ्यूल कंजम्पशन बहुत अच्छा है जिसके कारण हम पैसा बचा सकते हैं मार्केट में, दूसरा क्या है मेंटेनेंस खर्चा कम है जो दूसरी गाड़ियों में ज़्यादा है, उसके कारण भी हम पैसे की पैसा बचा करके दूसरी गाड़ी ले रहे हैं हर साल। तो जनरली एक मशीन आपको 2 मशीन इतना पैसा छोड़ देती है कि आप एक मशीन और बना पाते हैं। अगला मशीन कब ले रहे हैं? अगला मशीन भैया देखिए 2023 से 24 की प्लान है, 24 में हर सितंबर महीने में गणपति पूजा के टाइम हर एक गाड़ी लेते हैं। कोई अगर आपको वहाँ कैमरे में देख रहा है नई बैको खरीदने का मन है उनका, खरीद सकते हैं? कौन सा खरीद सकते हैं बैको में? भैया बैको में तो कैसे लेंगे हम लोग बैको केस में? अगर आपका सुन के कोई बैको ही ले रहा है केस ले रहा है तो उसको क्यों लेना चाहिए बैको केस का? केस में आपको इतना पसंद क्यों है तो उनको भी पसंद आया, ऐसा क्या खास है केस में? फ्यूल की वजह से दिया और क्या है रेट में भी फर्क आ रहा है, मान के चले जाए मार्केट में हम 3DX लेने जा रहे हैं तो 23-34 लाख रुपये पड़ रहा है, और हमको कैश में क्या 31-32 लाख में अगर 2-1.5 लाख रुपए मेरे लिए बच जा रहा है तो हम बिजनेसमैन आदमी मेरे लिए तो बहुत है भैया, 1 लाख हम डीजल जलाएंगे, 1 लाख तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया फायदे में हम, इसलिए हम लोग कैश के तरफ जाते हैं। दोनों सेम काम करना है, दोनों सेम गाड़ी है तो हम 3DX और क्यों जाएंगे भैया, इसलिए कैश के तरफ जाते हैं। तो कोई और अपना बेनिफिट कहीं ना कहीं से आ जाता है, कोई और भी खरीद रहा है तो खरीद सकता है, खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कौन सा मॉडल है, कितने HP की मशीन है आपके पास? भैया मेरे पास 49 HP की गाड़ी है। 49 HP की, और किन किन चीज़ों में आपने उसको उपयोग किया है अभी तक, किन किन चीज़ों में क्या एप्लीकेशन? भैया हम लोग एक्सवेशन में काम किए हैं, लोडिंग में काम किए हैं, क्रेशर में चला रहे हैं ना, ब्रेकर में भी चला रहे हैं, पत्थर तोड़ने में काम आ रहा है। तो आप 49 HP से ब्रेकर तोड़ते हैं तो मशीन में कोई 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 फॉल्ट नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसा हुआ 24 घंटे मशीन चली हो एक साथ लगातार, कभी कुछ साइड पे कई बार सीजन पे काम आ जाता है? ये देखिए 24 घंटा चलने के बाद जैसे क्रेशर में गाड़ी चलती है थोड़ा हीटिंग होती है, इसलिए जो वहाँ पे थोड़ा हीट ज्यादा रहता है, बाकी गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लगातार अगर कोई चाहे चलाना तो लगातार मशीन को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीजन के टाइम डिमांडिंग वर्क में चला सकते हैं, चला सकते हैं। तो आपके पास सारे 49 HP के मॉडल? 49 HP है भैया मेरे पास में, एक 74 है। सर अब ऑपरेटर इस केबिन के बारे में क्या बोलता है? देखिए सर क्या है ऑपरेटर तो पहले से भैया बहुत कॉम्पैक्ट है ना, काफ़ी जगह है उसमें, फैन लगा हुआ है, मोबाइल चार्ज करने का हर सिस्टम है। जैसे पहले क्या था अपने को गाड़ियों में मोबाइल रखने का जगह नहीं था, अभी का जो केबिन बना है बहुत अच्छा केबिन है, साउंड बॉक्स भी लगा हुआ है, सामान भी रख सकते हैं, पहले का जो केबिन में जगह नहीं था पहले का, अभी पहले से बहुत बेटर है, अच्छा है। जैसे पहले सीट वगैरह से अगर घूमता था बैठ के तो पैर वैर टकराते थे, तो अगर जैसे अब अगर वो 6-8 घंटे ऑपरेट कर रहा है तो शायद कम थकेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, है ना, थकता नहीं है, थकता नहीं है, काफ़ी जगह है, आदमी सो भी सकता है, सीट फोल्ड भी कर सकते हैं, है ना, रेस्ट भी कर सकते हैं, काफ़ी जगह है, और केबिन काफ़ी कॉम्पैक्ट है और हेवी भी है, प्लास्टिक की है, मेरे हिसाब से हिट भी नहीं होता। और अब सेफ्टी बढ़ी है? जी सेफ्टी बढ़ा है, सेफ्टी बढ़ा है। ये मशीन में GPS आता है, कोई टेलीमेटिक्स आते हैं मशीन में? हाँ GPS लगा हुआ है, GPS लगने से क्या है कहाँ पे गाड़ी चल रही है, क्या है, कितना घंटा चला है, ऑपरेटर कहाँ है, किस पोजिशन पर है, सारे चीज़ हम देख सकते हैं घर बैठे बैठे। आपको इसी से फ़ायदा हुआ है? बहुत सारी फायदा है, गाड़ी हमारी कहाँ है, 30-32 लाख की गाड़ियाँ है, कहाँ चला रहे हैं, क्या है, किस पोजीशन में है, गाड़ी को हम देख सकते हैं, तो फायदा तो है भैया। तो अच्छा है ये जी, ठीक है भैया। सर आपने शुरू कहाँ से किया था, ये
कहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ? अब भैया सफ़र तो हम लोग देखिए क्या है, शुरू से कठिन परिश्रम करते हुए हम लोग सिविल कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार है और अपना काम धाम चालू किया छत्तीसगढ़ में आकर के, ठीक है। उसके बाद हम लोग बैको लोडर लेना चालू किए, एक लिए 2012 में, फिर 13 में भी लिए, फिर 15 में भी लिए, और बहुत सारी मशीन है भैया अभी भी आपका बैको लोडर ले रहे हैं कैश का, और भी गाड़ी मेरे पास में है जैसे ट्रैक्टर हो गया, एजॉक्स हो गया, आपका क्या एक्सवेटर भी है हमारे पास में, है ना। हमारे पास मेन पावर तो भैया 500 से 600 वर्कर अभी भी काम कर रहे हैं, 20-25 स्टाफ भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी ये है, अच्छा बिजनेस है भैया, है ना। बाकी आप लोग से जुड़े हुए हैं कैश कंस्ट्रक्शन से।